अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका जो मिड टर्म का रिजल्ट है फॉल 2022 का, वो अनाउंस हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और काफ़ी एवरेज आया है और काफ़ी का बिल्कुल बिलो द एवरेज आया है। अब इसकी वजह क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली बताऊँ ना, तो मुझे ये जो एक तो पेपर पैटर्न था और दूसरा ये था कि उन्होंने जो रिज़ल्ट की असेसमेंट स्कीम बनाई है ना, मुझे बड़ी पसंद आई है। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है। उसकी वजूहत हैं दो तीन, कि आपके ये जो 30 मार्क्स हैं ना, ये आउट ऑफ 100 में से हैं। आपने इस बात का ज़हन में रखना है, ये जो आपके 30 मार्क्स हैं, ये आपके आउट ऑफ 100 में से हैं। दैट्स मीन कि आपने इस एग्ज़ाम में जितने मार्क्स लिए हैं, ये आपके काउंट हो रहे हैं आउट ऑफ 100 में से। इस बात को आपने याद रखना है कि ये आपके, चाहे आपने 30 आउट ऑफ 30 लिए हैं, 20 लिए हैं, 10 लिए हैं, 15 लिए हैं, वट एवर आपने जितने मार्क्स भी लिए हैं, ये आपके काउंट हो रहे हैं आपके आउट ऑफ 100 में से। अब ये आपके आउट ऑफ 100 में से ये काउंट होंगे, इसकी जो परसेंटेज है ये ज़्यादा मैटर करेगी कि आपने मिड टर्म में कितनी परसेंटेज ली। ठीक है, अब आ जाएँ फाइनल टर्म के जो पेपर पैटर्न है, जो असेसमेंट स्कीम है, मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है आपके और फाइनल टर्म के असेसमेंट स्कीम पर, प्लस उसका जो पेपर पैटर्न होगा उस पर भी। तो जो पेपर मार्क्स होंगे फाइनल टर्म के, वो होंगे 60, तो वो आउट ऑफ 100 में से होंगे 60, मतलब 30 ये हो गए मिड टर्म के और 60 हो गए आपके फाइनल टर्म के। तो क्या होगा यहाँ पे, कि ये हो गए 90 हो गए, ये 10% आपके रह गए। वो जो 10 मार्क्स हैं आपके क्विज के हो गए, आपके असाइनमेंट्स के हो गए, आपके GDP के हो गए, वो सारे मिला के आपको 10 मार्क्स वहाँ से देंगे, जिस तरह ये आपके 100 मार्क्स पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, सुनने में आया है मुझे, कि पेपर अच्छा हुआ था लेकिन उस तरह से मार्क्स हमें नहीं मिले। मे बी होता है कभी कभी पेपर इंसान को लग रहा होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो मार्क्स हमें उस तरह के नहीं मिलते। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के देखे हैं 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आए हुए हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके मार्क्स मैंने देखे हैं वो 20 अबव हैं, मतलब 20 से ऊपर ही हैं, 21 हैं, 23 हैं, 25 हैं या 30 आउट ऑफ 30 हैं। और उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है जिनके 30 आउट ऑफ 30 हैं या 20 से अबव हैं, मतलब 90% या 90 से ज़्यादा है जिनके मार्क्स, उन स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि अपने रिजल्ट के स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी फेसबुक ग्रुप में ना पोस्ट करें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके बेचारों के मार्क्स कम है, उनको ऐसा से कम तरीके से शिकार ना करें तो बेहतर ही है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है, जब वो किसी के अच्छे मार्क्स देखते हैं तो यार उसके जहन में परेशानी, उसके जहन में हर्डल्स और उसके जहन में मतलब डिफरेंट किस्म की क्वेश्चन पैदा होती हैं कि यार इसके नंबर इतने अच्छे आ गए, मेरे क्यों नहीं आए। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब 20 से ऊपर 25 30 मार्क्स उन्होंने लिए हैं मिड टर्म में पूरे के पूरे, तो वो एटलीस्ट क्या कहते हैं, अपने जो स्क्रीन शॉट हैं वो किसी भी फेसबुक ग्रुप में एज वेल एज किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें। और हाँ, आप लोग अपने सेलिब्रेट करो, बताओ सबको मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मैंने इतने मार्क्स लिए। लेकिन अब ये ना करो कि आप अपना रिजल्ट का स्क्रीन शॉट लेकर पेस्ट कर दो। और बहरहाल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स बिलो द एवरेज भी आए हैं और काफ़ी लोगों के मार्क्स एवरेज हैं। अब देखें, अब ओवरऑल एवरेज का मुझसे पूछा जा रहा था कि सर ओवरऑल एवरेज कैसे आ रही है। लाइक देखो, आपके जो एवरेज बन रही है, लाइक आपके एक में है 50% आपने ली है परसेंटेज आपकी, दूसरे में बन रही है आपकी 60, तीसरे में बन रही है 60 70, देन इस तरह मिला कि आपकी जो ओवरऑल एवरेज जो बनेगी वो 55 के दरमियान बनेंगी या 55 point something बनेंगी आपकी एवरेज। और हाँ, ये जो आपके पॉइंट्स में मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 15.15 है, 15.10 है, 15.70 है, 15.7 है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब फाइनल में जाएंगे तो इस आधे मार्क्स को आपका पूरा मार्क कर देगी, लाइक 15 है तो 16 कर देगी और 18 है तो 18 पर सम देगा तो 19 कर देगी, तो ये आपके पूरे मार्क्स हो जाएंगे आपके जब फाइनल में ये काउंट होंगे। तो ठीक है, तो आप लोग इस बात से परेशान ना हो कि मेरा रिजल्ट बिलो द एवरेज आया है तो मैं मिड टर्म में फेल हूँ, नहीं ऐसा नहीं है।
अगर आपका रिजल्ट बिलो द एवरेज है तो मिड टर्म फेल नहीं हो, लेकिन इस रिजल्ट का असर थोड़ा बहुत पड़ेगा आपके फाइनल टर्म के रिजल्ट पर। वो किस तरह, क्योंकि ये काउंट होंगे आपके फाइनल टर्म में, तो जितने अच्छे मार्क्स आप लेते हो मिड टर्म में, आपको जो फाइनल टर्म का रिजल्ट आता है वो उतना अच्छा आता होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप मतलब फेल हो गए हो, आप क्या करो, आप आपका जो फाइनल टर्म है का एग्ज़ाम है उसको सही से प्रिपेयर करो। आई रिपीट, आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है उसको आप सही से प्रिपेयर करो, सही से तैयारी करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्रेड है, जो फाइनल ग्रेड है वो अच्छा बने, आपके पास चांस है कि आप उसको अपने फाइनल टर्म में कवर अप कर सको। आपने जो रिजल्ट, लेट से आपके मिड टर्म में अच्छा नहीं आया, तो आप उसको फाइनल टर्म में कवर कर सको। फाइनल टर्म में कवर जब आप करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो ग्रेड हैं वो अच्छे आ जाएंगे, आपका CGPA अच्छा आ जाएगा, आपके ग्रेड और बढ़ जाएंगे। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास फाइनल टर्म अपॉर्चुनिटी है, आप का अगर रिजल्ट गंदा है डजंट मैटर, फाइनल टर्म में कोशिश करें कि इस साल को कवर अप करें, और एटलीस्ट आप 70% तो मार्क्स लेना अपने सब्जेक्ट में, मतलब 70% बनता है बी ग्रेड बनता है If I'm not wrong, तो अगर आप बी ग्रेड भी ले लेते हो तो दैट्स गुड यार, आपका कम से कम CGPA अच्छा आ जाएगा। तो ये मेरी आप सबको रिकमेंडेशन है कि आप लोग अभी रोने को छोड़ें, नेक्स्ट अभी सर पे खड़ा आपको फाइनल टर्म, उसकी तैयारी करें, और उसके लिए आप कोशिश करें जितने ज़्यादा मार्क्स आप कवर अप कर सकें, या जितने हाथ पाँव मार सकें आपके फाइनल टर्म में, इन सारे जो है ना इसको कवर अप कर लें, और आपका पेपर आपका जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट आपका बने वो अच्छा बने। होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ होगी। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको एंड पे कि जो मेरे स्टूडेंट्स से जिन्होंने मिड टर्म में मेरे पास तैयारी की थी, मिड टर्म एग्ज़ाम की, उनके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। एक स्टूडेंट्स के मेरे पास 87% मार्क्स आए हैं, जिस सब्जेक्ट की उसने मेरे पास तैयारी की थी उसके 87% मार्क्स है, और दूसरी स्टूडेंट्स जिसने मेरे पास सब्जेक्ट की तैयारी की थी उसके 75% मेरे ख्याल में उसके मार्क्स आए हैं। तो मैं अपना प्रमोशन भी करता चलूँ यहाँ पे कि अगर जिसने ऑनलाइन क्लास लेनी हो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो मेरी सारी बातें आपको समझ होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं जो कमेंट करते हैं, किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।